हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें किस धातु की सतह पर फोटोन आपतित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इसका पहला नियम है, उन प्रयोगों के आधार पर बने नियम में पहला नियम है कि प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन और उनसे जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। वह प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता से अर्थ है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या, जितनी अधिक उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अतः धारा अधिक होगी। जबकि प्रकाश विद्युत धारा या प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, तथा प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा नियम है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा या उनको रोकने के लिए लगाया गया ऋणात्मक वो निरोधी विभव, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा नियम है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करें तो प्रकाश विद्युत घटना संभव नहीं होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, दहली आवृत्ति न्यू जीरो से डिनोट करते हैं,
से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। धातु की प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं है। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं होती है। लास्ट व अंतिम नियम, चौथा नियम है कि जैसे ही धातु की सतह पर फोटोन आपतित किए जाते हैं, 10^-9 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय पश्चाता नहीं होती। जैसे ही धातु की सतह पर फोटोन आपतित किए जाते हैं, दस की घात माइनस नौ सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात कोई समय पश्चाता नहीं होती, नो टाइम लैग, कोई समय पश्चाता टाइम लैग कोई समय पश्चाता नहीं होता। यानी जैसे ही धातु की सतह पर फोटोन आपतित किए जाते हैं, बहुत अल्प समय में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, कोई देरी नहीं होती, साल महीने नहीं लगते हैं, दिन साल महीने मिनट घंटे नहीं लगते हैं। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम हैं। इनकी व्याख्या के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, इसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहते हैं, और उस समीकरण से इन नियमों की व्याख्या की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने बताया कि धातु की सतह पर जो फोटोन आपतित किया जाता है,
उसकी ऊर्जा एच न्यू, न्यू आवृत्ति का प्रकाश दो तरह से खर्च होती है, दो कार्य में उपयोग में ली जाती है। पहला, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में आवश्यक ऊर्जा अर्थात कार्य फलन में, दूसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अनुसार न्यू आवृत्ति का फोटोन धातु की सतह पर आपतित किया जाए तो इस फोटोन की ऊर्जा एच न्यू दो प्रकार से उपयोग में आती है। पहला, कार्य फलन में, अर्थात इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में आवश्यक ऊर्जा के रूप में, दूसरा धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। शेष ऊर्जा धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को वेग प्रदान करने में गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। चौथी है, अतः आपतित फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्य फलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इससे आइंस्टीन की समीकरण बनती है, अर्थात एच न्यू बराबर कार्यफलन फाई प्लस हाफ यू मैक्सिमम स्क्वायर, न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा है, आवर्ती है सॉरी, एच प्लैंक नियतांक है, फाई कार्य फलन, न्यू मैक्सिमम
सॉरी वी मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है वह हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यदि न्यू बराबर न्यू जीरो अर्थात आपतित फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति न्यू जीरो के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह तक आता है उसकी गतिज ऊर्जा या वेग शून्य रहता है। गतिज ऊर्जा या वेग शून्य रहता है अतः हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको समीकरण नंबर एक कहें। समीकरण एक में न्यू बराबर न्यू जीरो व हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर जीरो रखने पर एच न्यू जीरो बराबर फाई अर्थात फाई बराबर एच न्यू जीरो कार्यफलन फाई बराबर एच न्यू जीरो फाई का मान समीकरण एक में रखने पर एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर या एच न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर यही आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है। इस समीकरण का दूसरा रूप न्यू बराबर सी बटा लेमदा व न्यू जीरो बराबर सी बटा लेमदा जीरो रखने पर एच सी अपॉन लेमदा माइनस एच सी अपॉन लेमदा जीरो बराबर हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर
एच सी कॉमन लेने पर हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर लेमदा जीरो दहली तरंग दैर्घ्य, इस तरह से लेम न्यू जीरो दहली आवृत्ति होती है, लेमदा जीरो दहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ऋणात्मक विभव अर्थात निरोधी विभव वी जीरो हो तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अधिकतम गतिज ऊर्जा इस ऋणात्मक विभवर के कार्य ई वी जीरो के बराबर होगी। समीकरण तीन से एच सी वन अपॉन लेमदा माइनस लेमदा जीरो बराबर ई वी जीरो, ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा रूप है या एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर ई वी जीरो। धन्यवाद।